नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव अब खत्म हो चुका है। वहीं से चुनाव में जाटलैंड से लेकर पूर्वांचल तक सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसका खुलासा 10 मार्च को होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस बार के मतदान प्रतिशत में कहां कितनी उछाल और कहां कितनी गिरावट आई है प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी की राजनीति से होकर जाता है। यही वजह है कि यूपी की सत्ता को पाने के लिए तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और सत्ता को पाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी और अपने अपने प्रत्याशियों को भी पूरी तरह से सोच समझ के साथ ही चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं अगर बात करें तो अब यूपी में चुनावों के बाद ईवीएम की लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूपी में पहले चरण का मतदान 11 जिलों की 58 सीटों पर बीती 10 फरवरी को हुआ था। पहले चरण में मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोटिंग की और पहले चरण में शाम 6 बजे तक 58 सीटों पर 55.70% मतदान हुआ, जबकि सबसे ज्यादा वोट मुजफ्फरनगर में डाले गए। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियां भी चुनावी मैदान में उतरे थे। ऐसे में किसी के सामने अपने दादा की विरासत बचाने की चुनौती है तो किसी के सामने अपने पिता की राजनीतिक साख को बरकरार रखने की भी चिंता है। पहले चरण में यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्य चुनाव में है तो कई सांसद और पूर्व मंत्री और विधायक के बेटे भी इस चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन बात अगर 2017 के मतदान प्रतिशत की करें तो गौरतलब है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में पहले चरण में 64% 2-2% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 55.70% ही मतदान हुआ, जिससे साफ पता चलता है कि इस बार के मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। तो इस बार का मतदान प्रतिशत क्या रहा है, चलिए एक नजर डालते हैं इस बार के मतदान प्रतिशत पर। कुल 5 बजे तक पहले चरण में 55.70% मतदान, अलीगढ़ में 57.25%, आगरा में 56.62%, मेरठ में 55.70%, बुलंदशहर में 7.52% मतदान, हापुड़ में 61% मतदान, बागपत में 61.30% मतदान, गौतम बुद्ध नगर में 53.58% मतदान, शामली में 61%, मुजफ्फरनगर में 62.9% मतदान, मथुरा में 58.12%, गाजियाबाद में 55.31% मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के 9 जिलों में 55 सीटों पर उतरे उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जबकि 14 फरवरी को दूसरे चरण में पिछली बार से मतदाताओं में कम उत्साह देखने को मिला। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे दौर की 55 सीटों पर 60.31% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनावों में यह आंकड़ा 65.53% था। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बेल्ट और रुहेलखंड इलाकों की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनावों से 3% कम वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान अमरोहा में 66.15% हुआ तो सबसे कम वोट बदायूं में 55.91% डाले गए। इस बार के मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है, तो चलिए इस बार का मतदान प्रतिशत क्या रहा, हम एक नजर अब उस पर डालते हैं। यूपी में दूसरे चरण में 5 बजे तक कुल 60.31% मतदान, बिजनौर में 61.40% मतदान, रामपुर में 60.10%, बरेली में 57.96%, अमरोहा में 66.15%, संभल में 56.88%, सहारनपुर में 56.70%,
मुरादाबाद में 64.70%, बदायूं में 55.91%, शाहजहांपुर में 57%। यूपी चुनावों के तीसरे चरण में यादव बेल्ट और रुहेलखंड के 16 जिलों में 59 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण के 59 सीटों पर 57.25% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनावों में ये आंकड़ा 62.21% था। यानी इस बार यादव लैंड में भी मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। तो चलिए GFX के जरिए आपको दिखाते हैं तीसरे चरण का मतदान प्रतिशत क्या रहा। तीसरे चरण में शाम 5 बजे तक 57.25% मतदान, फिरोजाबाद में 57.35%, मैनपुरी में 60.82%, एटा में 63.58%, कासगंज में 59.18%, हाथरस में 57.61%, कानपुर में 53.42%, कानपुर देहात में 59.11%, औरैया में 58.67%, फरुखाबाद में 60.34%, कन्नौज में 60.28%, इटावा में 50.42%, ललितपुर में 67.50%, झांसी में 57.71%, हमीरपुर में 58.08%, जालौन में 53.84%, महोबा में 61.43%। तीसरे चरण का चुनाव यादव बेल्ट, कानपुर क्षेत्र और बुंदेलखंड के इलाकों की सीटों पर रहा। तीसरे चरण में यादव वोटर अहम थे। ब्रज के कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और हाथरस की 19 सीट है। वहीं अवध के 6 जिले कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 सीटें हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के 5 जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में 13 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अपने गढ़ में पार्टी के खोए हुए सियासी आधार को दोबारा पाने का चैलेंज है, इसलिए वो खुद मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। तो दूसरी तरफ उनके चाचा शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से इस चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे थे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने शाक्य समाज वोटों के लिए महान दल के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसका आधार इसी इलाके में है। वहीं बीजेपी और अपना दल का भी लिटमस टेस्ट होना है। चौथे चरण में यूपी की हॉट सीटों पर 23 फरवरी को चुनाव हुए थे। इस दौरान प्रदेश की राजधानी समेत अवध की अहम सीटों पर मतदान हुए। चौथे चरण में 4 मंत्रियों की साख भी दांव पर है। वहीं सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई। आदित्य सिंह की भी किस्मत इस चरण में ईवीएम में कैद हो गई है। चौथे चरण के तराई बेल्ट और अवध इलाके की सीटों पर चुनाव हुए हैं, जहां 57% 4-5% वोटिंग रही। हालांकि 2012 में इन 59 सीटों पर 61.55% ही वोटिंग हुई थी, जबकि 2017 में 62.55% ही यहाँ का मतदान रहा था। इस तरह से 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 1% का इजाफा हुआ था, जबकि 59 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार के मतदान में गिरावट देखने को मिली है। तो इस बार किसको कितना फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले चलिए नजर डालते हैं आखिर हॉट सीटों समेत सभी सीटों पर मतदाता कितने जागरूक दिखे। चौथे चरण में शाम 5 बजे तक 57.45% मतदान, पीलीभीत में 61.42%, लखीमपुर खीरी में 62.45%, सीतापुर में 58.80%, हरदोई 55.40%, लखनऊ में 54.98%, उन्नाव में 56.68%, रायबरेली में 58.40%, फतेहपुर में 57.02%, बांदा में 57.48% मतदान।
चारों चरणों का चक्रव्यूह भेदने के बाद पांचवें चरण के चुनाव 27 फरवरी को समाप्त हुए। 12 जिलों में 61 सीटों पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। पांचवें चरण के चुनावों में पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इस चरण में प्रदेश की दो बड़ी धर्म नगरी प्रयागराज और राम नगरी अयोध्या में भी वोट डाले गए। पांचवें फेज में अवध क्षेत्र के अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाकों की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी वोटर्स अहम माने जाते हैं। इस चरण के चुनावों में महज 53.93% ही मतदान हुआ। तो चलिए सभी 12 जिलों की सीटों पर जनता कितनी एक्टिव दिखी, GFX के जरिए आपको दिखाते हैं। पांचवें चरण में शाम 5 बजे तक 53.93% मतदान, रायबरेली में 56.06%, अमेठी में 52.77%, सुल्तानपुर 54.88%, चित्रकूट 59.64%, प्रतापगढ़ 50.25%, कौशाम्बी 57.01%, प्रयागराज 50.89%, बाराबंकी 54.74%, अयोध्या 58.01%, बहराइच 55%, श्रावस्ती 57.23%, गोंडा 54.31%। यूपी में छठे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और पूर्वांचल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बस्ती में भी जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का पूरा इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि अगर किसी ने पूर्वांचल पर फतह हासिल कर ली तो वो यूपी की सत्ता काबिज करने में कामयाब हो जाता है। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। मतदान खत्म होने के साथ ही तमाम प्रत्याशियों की किस्मत भी अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन वहां की जनता भी इस बार के मतदान में थोड़ी पीछे दिखी। छठवें चरण में शाम 5 बजे तक कुल 53.31% मतदान, बलरामपुर में 47.78%, महाराजगंज में 57.38%, संत कबीर नगर 51.21%, अंबेडकर नगर 58.08%, देवरिया में 51.51%, बस्ती 55.49%, बलिया 51.74%, गोरखपुर 53.90%, सिद्धार्थनगर 49.83%, कुशीनगर 54.99%। यूपी की सत्ता के रण में सभी चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और सातवें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हुई है। पूर्वांचल के जिन 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर सारे मुद्दों पर जातिगत समीकरण हमेशा प्रभावी रहा है। बीजेपी, सपा, भाजपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि जाति आधार वाले छोटे दल की भी असल परीक्षा होती है। लेकिन इस बार सातवें चरण के रण में भी मतदान में गिरावट दर्ज की गई। तो आखिर क्या रहा सातवें चरण का मतदान प्रतिशत, चलिए एक नजर उस पर भी डालते हैं। यूपी में सातवें चरण में शाम 5 बजे तक 54.18% मतदान, वाराणसी में 52.79% मतदान, आजमगढ़ में 52.34% मतदान, मऊ में 55.04% मतदान, गाजीपुर में 53.67% मतदान, चंदौली में 59.59% मतदान, भदोही 47.49% मतदान, मिर्जापुर 54.26% मतदान, जौनपुर में 53.55% मतदान, सोनभद्र में 57% मतदान।
चुनावों से पहले और चुनावों के दौरान सभी पार्टियों ने जुबानी वार और लुभावने वादों के जरिए एक दूसरे का किला भेदने की पूरी कोशिश की थी और जनता को भी अपने खेमे में लाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके के रास्ते अपना लिए थे। कुछ प्रत्याशियों ने जीत का ताज पहनने के लिए अपनी पार्टियां तक बदल ली, लेकिन अब इसका खुलासा तो 10 मार्च को ही होगा कि आखिर जनता ने आगामी 5 साल के लिए किसके हाथों में सूबे की सत्ता सौंपी है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।